हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन ड्रीम्स के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने टीम कॉइल के सीक्रेट बेस में जाके एक्सप्लोर कर लिया था पूरा सीक्रेट बेस। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों को पता भी चल गया था कि टीम कॉइल की जो लीडर थी किंग कोबरा करके, वो और कोई नहीं थी, वो वही लड़की थी जो हम लोगों को स्टार्टिंग में ट्रेन में मिली थी, जिसके पास एक डंसपेयर है। तो ये काफ़ी आई नो सरप्राइजिंग बात है हमारे लिए। अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा रहेगा तो आपको नहीं पता चला रहेगा, बट अगर आपने देखा है तो आपको तो ऑलरेडी पता चल ही गया रहेगा। एंड एक और बात, आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स करके बताया कि तू अपनी पुरानी टीम रिटर्न ले ले, लास्ट फायर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बट आपसे गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब वीडियो जिस गेम की होती है ना, उस गेम के बारे में कमेंट ही नहीं करते। जस्ट लाइक आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में सब लोगों ने लास्ट फायर की बातें कर रहे थे पूरे टाइम, मतलब कमेंट्स में। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि लास्ट फायर तो अभी हम लोग फ़िलहाल कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को आप लोगों ने ऐसा बताया कि रोम्स पैरेड एक और अपडेट लाएगा, उसमें जिस लाइक उसकी डिफ़िकल्टी है जो गेम की है, एलीट फोर के पास जो डायनामिक्स पोकेमोन है वो हटा देगा आई गेस, या फिर लेजेंडरी पोकेमोन हटा देगा, ऐसा कुछ तो आप लोगों ने मेरे को बता दिया है। तो हम लोग लेजेंडरी मतलब जस्ट लाइक अपडेट के बाद इस गेम को कंटिन्यू करेंगे, रोम्स पैरेड का वेट करेंगे जब तक वो अपडेट लाएगा तब तक। एंड हाँ, प्लीज़ गाइज आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग इस गेम को जस्ट लाइक इस गेम को लेकर कुछ कमेंट करो ना, बाकी दूसरे गेम्स के लेकर कमेंट मत किया करो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कोबरा को तो हरा दिया था, प्लस उसका भाई भी था गार्टर, उसके साथ भी बैटल हो चुकी थी। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड बहुत बड़ा था, और फिर हम लोगों को पता चला कि टीम कोबरा कुछ तो रक्वाजा के साथ, या फिर आप लोग जस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमोन है उसके साथ कुछ तो करना चाहते हैं। उसके लिए छोटू ने हमें बुलाया था कि प्रोफेसर कॉनिफर से मदद लेंगे, तो हम लोग आज के एपिसोड में उनसे जाके मिलेंगे। सबसे पहले तो ये रहा छोटू, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओमकार, यू मेड इट, हे बड़ी छोटू, टेल मी यू आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द लेजेंडरी स्काई स्नेक पोकेमोन, इज़ इट राइट? यस, वेल थैंक्स फॉर कमिंग टू मी, इट फील्स नाइस टू नीड इट। आई एक्चुअली डिड एन इंडिपेंडेंट स्टडी ऑन दिस सब्जेक्ट आई लॉन्ग टाइम अगो, बट आई डिड इट, लेट मी टेक अ लुक एट माई नोट्स, हियर वी गो। सो द स्काई स्नेक पोकेमोन, वेयर टू स्टार्ट? वेल इट इज़ बिग, लाइक रियली बिग, लाइक वेट योर पैंट्स बिग, ओके। एंड इट वॉज डिस्ट्रक्टिव, वैन द एंशंट सॉ इट्स गोल्डन हाइड दे न्यू टू टेक कवर, दिस पोकेमोन वुड अटैक पीपल, सिंस इट वॉज सो डेंजरस द एंशंट हैड टू स्टॉप इट, कम ऑन मिथ सेज द एंशंट सील्ड इट इन साइड अ जेम, दे स्प्लिट द जेम इन टू थ्री पार्ट्स एंड गार्डेड देम सेपरेटली, but that might be not actually be true, okay, you don't know, I thought you studied this, yeah about that, actually a colleague ran off with most of my notes, I'm kinda running off on scraps, okay, and old memories here, anyway, every text I have seen, I has used different riga wording, okay, all of they say that the ancient sealed away in the sky snake Pokemon's power, okay, what's the difference? Well, sealing away its power could mean a lot of things. Pokemon gain power in tons of different ways. Form changes, evolution, weather effects, held items, affection, the list goes on. It could be one of those sources of the power that was sealed away, not the Pokemon itself. Omkar Chotu said you have to the Sapphire, right? Let me see it. Okay, so guys, hum logon ne abhi Sapphire de diya hai. Okay, I'm going to run some test on this thing, I might be able to figure out what kind of power it holds. Yo professor, you said there are two or more these gemstones, yeah, I betcha they are gonna get stolen too, where are they at? Well the closest one should be Ruby Tower. Ruby Tower? Yeah, the ancient built a tower to guard each of the gem. Sapphire Tower has destroyed a long time ago, but the tower, the other two towers should be there, okay. Gotcha, where's the Ruby Tower? North of the Ice Steam Town, which is the north of the Route 11. Okay, तो हम लोगों को ऊपर जाना है अभी. Okay, thanks professor. Omkar, I will see you at the Ruby Tower later. Okay, इसको कितनी घाई रहती हर बार. Look like we know Team Coil's next target. Then I will contact the authorities and learn about what I can about this sapphire. Okay. Omkar, you go with Chotu. Good luck, buddy. Okay, thanks professor Conifer. अभी हम लोग जस्ट लाइक एक मिनट, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आइस स्टीम टाउन जो भी है वो जाना मतलब है किधर, लिटरली मेरे को पहले देखना पड़ेगा. ओके, ये हमारे जस्ट ऊपर ही है, तो हम लोगों को अभी ऊपर ही जाना है. एंड हाँ गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोगों को कट भी मिल चुका था, तो हम लोग कट भी सिखा देंगे. टीएम मिला था यार, ऑब्वियस ही बात है.
हम लोग किसको सिखाए, वो कि हमारा अम्ब्रियन सीख सकता है, फेरालीगेटर सीख सकता है, तो मैं हमारे अम्ब्रियन को सिखाऊंगा इसका कौन सा अटैक हटाऊं। ओके टेक, ए बाइट नहीं हटाना था मेरे को, अरे यार नहीं मेरे को बाइट नहीं हटाना था, क्या यार गलती हो गई मेरे से, बट ठीक है कोई बात नहीं, बाइट नहीं हटाना था मेरे को, पर ठीक है नेक्स्ट टाइम मे बी। तो लो हम लोगों को ऊपर जाना है अभी, यहाँ पे मैं साइकिल का यूज़ कर लेता हूँ। ओ ये कौन है, आई एम सो ग्लैड दैट यू वी गॉट टू सी यू छोटू, मी टू माँ, थैंक्स फॉर कमिंग टू सी मी, यू आर ग्रोइंग अप छोटू, वी कुडंट मिस दैट, सॉरी अबाउट द वॉट हैपन लास्ट टाइम, वी वर बींग ओवर प्रोटेक्टिव, ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड, आई लव यू बोथ, सो आई गेट हाउ यू फील। ओके यहाँ पे फिर से फैमिली रियूनियन हो रहा है। ओ ओमकार, थैंक्स फॉर वॉचिंग आफ्टर माई बॉय, वी विल सी यू अराउंड छोटू, बाय पा, बाय माँ। यार मेरे भी पेरेंट्स आने चाहिए थे देखने के लिए, बट ठीक है। माई एंड बा रियली डू ग्रेट वरीड अबाउट मी, दे गॉट देयर रीजन्स दो, आई होप दे एंड वरिंग टू मच, साय, वेल दैट्स इनफ दैट आई एम हेडिंग टू आइस टीम टाउन, ओके लास्ट वन देयर इज़ अ रोटन एग्जीक्यूट। यार ये बंदा हमेशा जल्दी में रहता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग भी जस्ट लाइक साइकिल का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्या पता कौन से लोग मिलेंगे। ओके यहाँ पे एक बैटल आ रही है, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग अराउंड, वी विल बीट यू डाउन, ओके चलो फाइट कर लेते हैं फिर। एक ग्राइमर, वाओ ये तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट है, आर यू सीरियस, यही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। मे बी हम लोगों को यहाँ पे पहले आना चाहिए था। ओ यहाँ पे कोई, ओ ठीक है ठीक है, फिर भी नॉट बैड, मे बी हम लोगों को यहाँ पे पहले आना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे सुपर फैंग करके एक TM भी मिला जो कि काफ़ी अच्छा तो है। हेलो दद्दू, आपको क्या कहना है, वॉट एन ऑड ट्री, आई वुडंट एक्सेप्ट एनीथिंग टू ग्रो इन अ प्लेस लाइक दैट, ओके हाँ वो भी है, काफ़ी अजीब ट्री है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, फेरालीगेटर को आगे रख लेंगे इन केस अगर ये कुछ दूसरा निकला तो। दिस ट्री लुक्स लाइक, चलो कट यूज़ कर लेंगे हम लोग इसके ऊपर, जो कि हम लोगों ने बाइट को गलती से हटा के, द ट्री डिडेंट सीम लाइक टू दैट वेरी मच, ओके द ट्री अटैक्ट, ओके ट्री अटैक्ट किया, अच्छा ये मेरे को लगा ही था ये सूडो वूडो है। तो हम लोग इसके ऊपर जस्ट लाइक, ओ ये सर्वाइव कर गया यार, और रॉक टॉम यूज़ किया, मेरी स्पीड गिरा दिया, बट कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। फेरालीगेटर 44 का हो चुका है, जोल्टियन 42 की हो चुकी है, और एक काम कर लेते हैं, चलो जाके देखते हैं केव में क्या रखा है हमारे लिए, आइस टीम केव। ओके तो गाइस अभी हम लोग केव में आ चुके हैं, एंड हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन उससे पहले लेट्स सी, हम लोगों को वो चाहिए जस्ट लाइक आपको तो पता ही है, बट छोड़ो वो पोकेबॉल में क्या ही रखा रहेगा। यहाँ पे एक और बैटल आ रही है, इवन इन दिस आईसी कोल्ड केव माई डिटर्मिनेशन विल नॉट बी क्यूवर, जस्ट लाइक ऐसा कुछ तो लिखा था। ओके एक स्नीसिल, लेट्स यूज चिप अवे काफ़ी अच्छा डैमेज देता है गाइस, देख जैसे कि आप देख ही सकते हो। पालपिटॉड के लिए हमारे पास जोल्टियन है, एक मिनट मैं भूल गया, पालपिटॉड तो ये भी है, लास्ट रिसोर्ट तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, अरे यार ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है, मेरे पास ग्रास टाइप कोई भी नहीं है। फेरालीगेटर फिर से तू ही रिटर्न आ जा ब्रो, लेट्स यूज चिप अवे, मेरी स्पीड गिरा दी, अप्रोर यूज़ कर लिया, ओके पालपिटॉड को तो हरा दिया हम लोगों ने, ओके अब माइनर सेटबैक, ओके चलो जाके देखते आगे, वहाँ पे पोकेबॉल है वैसे तो। नेवर मेल्ट आइस, ओके जहाँ से आए थे वहाँ से रिटर्न आएंगे और क्या, चलो देखते हैं यहाँ पे आगे हमारे लिए क्या क्या रखा है। ओ यहाँ पे वाइल्ड पोकेमॉन्स भी है, वो एक सैंड श्रीव, मेरे को एक ग्रास टाइप मेरी टीम में चाहिए, तो हम लोगों को एक ग्रास टाइप अगर आपको मिलेगा। ओ यहाँ पे तो एनाकोंडा है, वो हरी अब यू टू दिस वे, ओ देखो देखो वो गाइज कोबरा, वाइपर और कोबरा, आई स्टिल डू नॉट लाइक दैट वूमन, कोबरा बोल रही आई अंडरस्टैंड बट वी वुडंट एबल टू फाइंड द जेम स्टोन्स विदाउट हर, वाइपर
आई डू नॉट बिलीव शी शेयर्स अवर मोटिव्स. बाय द वे वाई इजंट गार्टर अकॉम्पनिंग अस? ही सेड ही हैड टू बी टेक केयर ऑफ समथिंग एल्स. आई सी, स्ट्रेंज आई वॉजंट इन्फॉर्म. से गोब्रा, यू हैव बीन स्ट्राइगरिंग. इज समथिंग ऑन योर माइंड? नो, नॉट समथिंग सो मच एज समवन. ओके, इज इट ओमकार और छोटू? ओमकार, हाउ डिड यू नो? वी नो इच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम कोबरा. आई नो हाउ यू थिंक. आई विश दे डिडंट चूज टू बी योर एनिमी. ओमकार रिमाइंड्स मी ऑफ माई सेल्फ वेन आई वॉज यंगर. दे स्टबर्नली परस्यू वॉट दे बिलीव इज राइट. ओके, रिगार्डलेस ऑफ वॉट अदर्स थिंक. दे विल नॉट, क्या लिखा है, दे विल नॉट बी स्वेड इजिली. ओके, ओमकार्स बिलीव्स आर नॉट नेसेसरली इनकरेक्ट. दे सिंपली आर नॉट वॉट सोल्डा नीड्स राइट नाउ. बट आई एम रैम्बलिंग अगेन. कम ऑन, वी वुड बेस्ट बी गोइंग. लेट्स एनाकोंडा बिकम्स इवन मोर इम्पेशेंट. ओके, ठीक है, यहाँ पे मेरी तारीफ हुई, काफ़ी अच्छी बात है. और हम लोग ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे रिपेल यूज़ कर लेते हैं. यार मैं नहीं चाहता यहाँ पे फिर से वाइल्ड पोकेमोन्स आए. और गाइज, आप लोग मेरे को एक अच्छा ग्रास टाइप टीम के लिए रिकमेंड कर देना, क्योंकि हम लोगों को उसकी ज़रूरत होगी. ओके, यहाँ पे एक बंदा है जो भाग रहा है, तो हम लोग इसका यहाँ पे पीछा कर सकते हैं. और हम लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया. ओके, नाइस. यहाँ पे भी तो कोई, ओह यहाँ पे एक लड़की है, हम लोगों को फाइट नहीं करनी. ओके, थैंक्स. चलो फिर से हम लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया. यहाँ पे एक पोकी बॉल है, लेट्स सी. हम लोगों को चारकोल मिला यहाँ पे. हम लोगों को फिर से उस बंदे को अवॉइड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं. इसको तो हम लोग चल के भी अवॉइड कर लेंगे, जैसे लाइक ऐसे. इधर भी जो लड़की थी इसको अभी अवॉइड करना है हम लोगों को. किधर गई वो लड़की? हेलो, अच्छा यहाँ पे. चलो ठीक है, हम लोगों ने इसको भी अवॉइड कर दिया दूसरी बार. तो चलो देखते हैं आगे क्या रखा है हमारे लिए. यहाँ पे एक बार मैं गेम सेव कर लेता हूँ बस, एंड देखते हैं आगे क्या रखा है. ओके, एक और केव, जस्ट लाइक एक और पजल है यहाँ पे. रिपेल ख़त्म भी हो गया, चलो एक और यूज़ कर लेते हैं. ये तो इजी. ओ ये क्या है, कुछ तो आवाज़ आया. ओ ये कौन है, छोटू? ओमकार, दैट यू? आई स्लिप्ड ऑन द आइस फेल. ओके, व्हाट एन इडियट, राइट? कम ऑन, हेल्प मी. अच्छा ये गिर गया, मेरे को लगा इसको कोई मारा. होल्ड ऑन, लेट मी एडजस्ट माई लेग. ओके, नाउ लेट मी लीन यू ऑन. ओके, फ्यू एक्चुअली कैन वी रेस्ट फॉर अ बिट? थैंक्स. ओके, इसने मेरे पोकेमोन भी आई गेस हील कर दिए. फ्यू, आई एम ओके, आई एम रेडी. सॉरी अबाउट दैट. वी आर रेसिंग टू गेट टू रूबी टावर बिफोर दोज क्रूक्स डू, एंड हियर आई एम स्लोइंग डाउन यू. ओके, मे बी आई हैव बीन पुशिंग माई सेल्फ टू हार्ड. ओमकार, कैन आई टेल यू समथिंग? यू नो दैट रांच नेक्स्ट टू द थिकेट टाउन? That actually used to be my grandpa's ranch. After grandpa died, it went to my pa and uncle Hans. Okay, beat ma and pa. Beat and ma and pa. I all helped out at the ranch. Okay, when I was little, it was pa's prides and joy. Okay, then a couple years ago, well, there was an accident. It was all my fault. I wasn't paying attention. I actually almost died. Pa sold off the ranch to pay for his medical bills. Okay, pay for the medical bills. Okay, क्या हुआ था इसके साथ? It was all my fault. Here, take a look at my left leg. You see, it's a prosthetic leg है इसके पास. Okay, I always wear a long pant so people can't tell. But a small place like Thicket Town, everyone knew right away. Soon as I could walk again, I knew what I had to do. I wanted so bad to prove I could be useful for something. So I was gonna become a trainer and use my power to help people. Really, I wanted to do that. Okay, beat would gotten to got. क्या लिखा है? Gotten to do while I was laid up. Okay, back home, everyone was always worrying about me. अच्छा, इसलिए इसके मम्मी पापा इसकी ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि एक abnormal, just like abnormal नहीं बोल सकते, ये इसका एक पैर नहीं है ना, prosthetic है. Okay, when I meet you, you didn't know about my, okay, and you didn't treat me any different than anyone else. Okay, that's kind of why I attached to you, onto you. Okay, I tried to act cool, make you think I was really tough. I may overcompensate. क्या लिखा है यार बेटी? या ओके,
नाउ थिंग्स आर गेटिंग सीरियस एंड आई एम पुलिंग द सेम ओल्ड स्टफ स्लोइंग यू डाउन होल्डिंग यू बैक मे बी इट वुड बी बेटर आई वॉजेंट हियर आफ्टर ऑल. नहीं यार ऐसे थोड़ी. नो यू आर टू नाइस ओमकार. डोंट हैव टू शुगर कोट इट. आई नो आई एम राइट. द फैक्ट इज दैट आई गॉट टू गेट स्ट्रॉन्गर. आई एम ग्लैड यू गॉट माई बैक ओमकार. बट आई गॉट टू स्टॉप रिलिंग ऑन अदर्स. ओके इफ आई कॉन्ट डू दैट देन वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ वॉकिंग अगेन. दैट्स इनफ दैट वी आर गॉट टू डू. ओके थैंक्स ओमकार आई विल सी यू. अरे फिर से मतलब तू खुद डायलॉग दे के मेरे को चला गया ब्रो. ये कैसी बात थी यार. ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे जाना है हम लोगों को. ओके यहाँ पे एक नीचे जाने का रास्ता है. लेट्स सी आइस टीम के यहाँ पे क्या लिखा है. ओ ये क्या है. फैकेड मिला. ओके काफ़ी अच्छी बात है. यहाँ पे तो फिलहाल बंद है. ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे जाके देखते हैं. एक मिनट ये तो मैं फिर से वहीं आ गया. A few moments later. ओके तो गाइज यहाँ पे एक बार फिर से गेम सेव कर लेता हूँ मैं. मैं नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे मैं. ओके हम लोगों को यहाँ पे ऊपर ही जाना है. ओके फाइनली हम लोगों ने इसको पार कर दिया. यहाँ पे ये कौन है. मेरे को इसके साथ फाइट नहीं करनी. चलो आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे एक और केव है. हम लोग जाके देखेंगे इसको पार करने की ट्राई करेंगे. लेट्स सी होपफुली हम लोग इसको पार कर पाएंगे. एक मिनट यहाँ से हम लोग जाके देखेंगे. यहाँ पे एक दादी है जिनके साथ हमारे मतलब दिस टीम्स डू वंडर्स इन रिलैक्सिंग माई ओल्ड बोन्स. ओके ठीक है दादी देखते हैं आपके पास कितने पोकेमोन है. ओके काफ़ी अच्छा पोकेमोन है. वैसे तो मेरे पोकेमोन हील हो चुके थे. ओके यॉन कर रहा है सकर पंच. ओके सो जाएगा बेचारा. ब्लॉसम ऑब्वियस सी बात है मैं उसके सामने ये थोड़ी रखूँगा. एरियल इस अच्छा तभी मैं सोचूं. आयरन डिफेंस अपना डिफेंस बढ़ा रहा है. मैं पोकेमोन ही चेंज कर लूँगा. राइलू आ जा ब्रो. अच्छा सॉरी मैं तेरे को लाइन लाना चाहिए था. फिर एलिगेटर मे बी यू कुड हेल्प मी. उठ जा यार कब तक सोएगा. अरे उठ जा ब्रो जल के मर जाएगा तू. उठ जा. अच्छा फाइनली उठ गया. अम्ब्रियन 42 का हो चुका है. कौन सा पोकेमोन आ रहा है मैंने देखा भी नहीं. ओके ये आइस फैंग यूज़ कर सकता हूँ इसके सामने मैं. चलो हम लोगों ने इसको भी हरा दिया. नीचे जाने का ट्राई करेंगे. रिपेल फिर से ख़त्म हो गया. एक और यूज़ कर लेते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है. ओ यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ पे गेम सेव कर लेते हैं. पजल्स हेट करता हूँ मैं गाइज बट ठीक है ये काफ़ी इजी थी. यहाँ से एक और रास्ता है नीचे जाने का और ऊपर जाने का भी एक रास्ता है. ऑल राइट माई पोकेमोन वी स्टैंड एज ऑन वन. ओके ठीक है लेट्स सी. मेरे को हील कर लेना चाहिए क्योंकि स्लैश सीख रहा है. स्लैश काफ़ी अच्छा अटैक तो है बट नहीं हमको नहीं सिखाना. हिटमॉन टॉप. ओके स्वेलो तेरी बारी. अरे समहाउ सर्वाइव यार. स्वेलो 43 की हो चुकी है गाइज. ओके यहाँ पे भी एक बार गेम सेव कर लेते हैं. चलो आगे जाके देखते हैं. ओके आई गेस हम लोग यहाँ से एग्जिट मिल चुकी है हमें. अभी आ चुके हैं रूट 11 पे एंड अभी हम लोग क्या पता कहाँ पे आएंगे. ओके तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं आई स्टीम टाउन में. बट एक मिनट वेट करो हम लोग आई गेस आज का एपिसोड यहीं पे एंड करूँगा मैं. मैं नहीं चाहता कि आगे जाके कोई और भी जस्ट लाइक समझो कोई अगर एक मिशन स्टार्ट हो गया अचानक से तो
इसलिए हम लोग आज का एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया। अगर आपको इस वीडियो को लाइक करना है तो लाइक करो, नहीं यार ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, लाइक करो इस वीडियो को। एम करते हैं 250 लाइक्स का। आई नो इस सीरीज़ में व्यूज़ भी कम आते हैं और रिस्पॉन्स भी कम आता है, बट मेरे को ये सीरीज़ खेलनी है, इसमें थोड़ी स्टोरी अलग है तो मेरे को उसमें मज़ा आती है। आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो चलो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सायोनारा।